हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह ध्यान। हैप्पी संडे खुशी, हैप्पी संडे पापा। और आज संडे है एज यूजुअल, हमारे यहाँ लाइट गई हुई है। हर संडे पता नहीं क्या होता है, लाइट चली गई होती है यहाँ पे। मम्मी कर रही है इधर पूजा और ये रही आपकी दी, हवा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ये अंकल जी बैठे हुए हैं, अंकल जी अपने फोन में लगे हुए हैं फेसबुक एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं आम पार्टी। दशहरी आम है ये, मतलब वैसे मिलता नहीं है इजीली यहाँ पर बरोड़ा में, ढूंढे तो मिल जाता है। यस, आज हम करने वाले आम पार्टी है। दीदी आम पार्टी करने वाले हैं आज। क्या है यार ये संडे में क्या चक्कर है ये? पता नहीं क्या आपके यहाँ पे भी ऐसे ही लाइट जाती है क्या संडेज को, बताना हाँ प्लीज कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ तो हर संडे पक्का है, सुबह उठो और लाइट चली जाती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि अच्छा फील हो। तो ये है ना गन्ने का रस का रेसिपी, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। मेरा रेसिपी नहीं है ये, तो मैं ये ट्राई करना चाहती थी क्योंकि गुड़ का टेस्ट अलग होता है और गन्ने का रस इज़ लाइक वेरी फ्रेश समथिंग। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि ये वैसा लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया है गुड़ का और इसके अंदर ये 7-8 एक स्प्रिग के ही मैंने पत्ते निकाल लिए, 7-8 पत्ते आप समझ लीजिए। मिंट लीव, मेरा मिंट सूख गया था ना, मैंने नया लाके मिंट लगा दिया, तो उसके पत्ते हैं ये। और इसमें एक नींबू का रस आप मिला दीजिए। ऑल्सो ना आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा मीठा, कम खट्टा या अच्छा नींबू का मात्रा पसंद है उस हिसाब से आप मिलाइएगा। और इसके बाद इसके अंदर डालना है थोड़ा सा काला नमक। मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा काला नमक, बाद में और चिल्ड वाटर ऊपर से डालूंगी। तो पूरा एक गिलास पानी मैंने यहाँ नहीं डाला है। सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। गुड़ बहुत जल्दी ही घुल जाता है, मैंने तो वैसे भी काट करके डाला है, तो ये जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह पीस लीजिए और ये एक तरह से कॉन्कॉक्शन जैसा तैयार हो गया है। ग्लास में मैंने डाला है बर्फ़, इसके ऊपर ये मैं स्ट्रेन करके ऐड करूँगी। और क्योंकि मैंने कम ही पानी डाला था तो इस पानी को जब तक एक ग्लास पानी टोटल बन जाए इतना मैं बना लूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। वही इसका कलर तो एकदम उसके जैसा ही है। टेस्ट बता, चार भी वैसे ही लगी गन्ने का जूस। है थोड़ा सा है उसके जैसा। क्या मिसिंग है? मीठा कम है? नहीं अच्छा है। और हम लोग जा रहे हैं पापा वाला न्यू हाउस देखने के लिए, एक्चुअली अपडेट लेने के लिए कि कितना वो रेडी हो चुका है। मतलब ये अपडेट लेने कि हम कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे रखेंगे। और बहुत लोग पूछ रहे थे ये एक्स आर्मी के बारे में, जैसे और बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये एक्स आर्मी वाला कार कौन सा है। मेरे वो व्हाट अमावस वाले ब्लॉग में आपने देखा था। तो ये बेसिकली पापा का कार है, पापा पहले आर्मी में थे ना, तो इसलिए उन्होंने अपनी कार पर ये स्टिकर डलवाया है। तो मम्मी पापा ने जो फ्लैट लिया है उस सोसाइटी का जो बिल्डर है ना, उन्होंने मम्मी पापा को जो डेट अग्री किया था वो डेट बहुत नज़दीक आ गया है, तो वी थॉट एक बार जाकर देखकर आया जाए। बेसिकली पापा और शर्मा जी गए थे देखने के लिए कि घर में क्या क्या काम करा दिया है, क्या क्या पेंडिंग है, और मैं और मम्मी गए थे देखने के लिए कि हम कहाँ पर क्या लगाएंगे। तो हम बेसिकली फीमेल्स डिसाइड कर रहे थे इंटीरियर्स, कहाँ ज़्यादा गर्मी आ रही है तो कहाँ पे क्या रखेंगे, और कहाँ पे कैसा स्पेस है तो वहाँ क्या रखेंगे, स्पेशली किचन में कितना फर्नीचर कराने की ज़रूरत है, वो इंटीरियर रिलेटेड सारी चीज़ें मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे। जबकि पापा और शर्मा जी इलेक्ट्रिसिटी, टाइल्स कैसे हैं, खिड़की ठीक लगाया है कि नहीं, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, मार्क्स तो नहीं है, एंड ऑल दैट, ऑल दोज टेक्निकल थिंग्स वो पापा और शर्मा जी डिसाइड कर रहे थे। Thank you.
और घर आके मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली साउथ इंडियन रेसिपी है एंड प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, यू कैन प्रॉब्ली करेक्ट मी ऑन दैट। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरमल पायसम। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया है थोड़ा शुगर कैरमलाइज होने को, और ये चावल मैं जाने से पहले ही भिगो कर रख कर गई थी। ये कुछ 1-1.5 घंटे से भीग रहे हैं। अच्छी तरह वॉश वगैरह कर लीजिए और इसके बाद इस तरह से हाथों से चूर लिया जाता है, जिस तरह हम खीर में करते हैं ना, बस वैसे ही। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हो, बट मिक्सी में थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा ही बारीक हो जाएगा, तो मैं तो हाथ से कर लेती हूँ। बट एज आई टोल्ड यू, आप मिक्सी में भी कर सकते हो। इस तरह से सारे चावल के कण को तोड़ लीजिए, बारीक कर लीजिए, और इसके बाद ये जो कैरमल है, देखिए ये तैयार होने लगा है। इसको मिक्स करेंगे और कैरमल लाइट और डार्क इंडिविजुअल चॉइस होती है। आपको डार्क कैरमल पसंद आता है तो आप इसको डार्क कर सकते हो। मैं लाइट कैरमल तैयार कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में फिर बहुत लोगों को वो टेस्ट कड़वा फील होता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको कैरमलाइज नहीं करूँगी। जस्ट लाइक हनी, देखिए एकदम हनी वाला कलर आ गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा दूध। इसमें दूध और भी जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं अभी थोड़ा ही डाल रही हूँ, और कोशिश करेंगे नीचे से सारा कैरमल स्क्रेप कर देने की। आपको ध्यान देना है कि नीचे से सारा कैरमल आप स्क्रेप करते रहें, वो घुलने नहीं, घुलने का टेंशन आपको नहीं लेना है। ये खीर जब तक पकेगी ना, सारा कैरमल घुल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हनी जैसा इकट्ठा हो गया है, इसके बारे में टेंशन मत लो। खाली जो आप जो वेसल इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके बॉटम पे कुछ ना चिपका रहे, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा स्क्रेप करते रहिए। बस मुझे जितना और दूध चाहिए वो दूध वगैरह मैं डाल चुकी हूँ, और ये क्या कहते हैं, इसका कुछ खास मेजरमेंट है नहीं, एकदम खीर की तरह आपको थोड़ा कम ही चावल और ज़्यादा सा दूध लेना है, ऐसा कोई मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है। तो दूध मैंने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा चावल भी डाल दिए हैं यहाँ पर, और इसके बाद ये आपको मिलाकर पकाना है। और फिर वही है, पर्सनल प्रेफरेंस है, कम गाढ़ा ज़्यादा गाढ़ा आप वो देख लीजिए, और ध्यान सिर्फ आपको देना है कि आपके जो चावल के कण हैं वो पक जाएँ अच्छी तरह। और यहाँ पे ये जो खीर है ना, इसको थोड़ा सा बार बार आपको स्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दूध और चावल दोनों का टेंडेंसी होता है चिपक जाना, और मैंने तो लिया है स्टील का बर्तन, तो वैसे भी चिपक जाते हैं। तो बार बार आप इसको स्टर करते रहिए, और आपको जैसा पसंद आए तब वो कंसिस्टेंसी आने तक एंड चावल गल जाने तक आपको इसे पकाना है। पैरेलली मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए थे, इनको छील लिया और इनको मैं काट कर तैयार करूँगी। डिनर में मैं बना रही हूँ तिल वाले आलू, बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है ये। मैं तो डिनर में बना रही हूँ, इसके साथ थोड़ा रायता कर लेंगे, बट ये बहुत अच्छा टिफ़िन रेसिपी के तरह से भी काम करता है। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हो। आलू रात में बॉईल करके रख लीजिए, और बस सुबह ड्राई मसाले मिक्स करने, इसमें काटने का भी कोई झंझट नहीं, काटना एज इन आपको कोई प्याज टमाटर काटने वाटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है। आपको पैन में लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे यहाँ पर, ढेर सारा जीरा, इसमें ज़ीरा काफ़ी ज़्यादा जाता है, और इसके बाद इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून जैसे वाइट तिल, थोड़े से ये चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हींग। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको भूननी है, जब तक आपका तिल भुन जाए जीरा भुन जाए। आप इनकी मात्रा कम कर सकते हो आपके हिसाब से, या थोड़ा सा हल्दी पाउडर विच इज़ ऑप्शनल, ज़्यादा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा चाट मसाला मैंने डाला है, और इसके बाद ये जो उबले हुए आलू हैं ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें हल्दी आप डालना चाहें डालें, आपको नहीं पसंद आती आलू की सब्ज़ी में हल्दी तो आप ना डालें। और तिल का मात्रा, मिर्ची का मात्रा एंड ऑल्सो जीरा का मात्रा आप आपके हिसाब से कम भी कर सकते हो, बट बेसिकली ये तिल वाले आलू हैं ना, इसमें बहुत सारा तिल जाता ही है। इसमें स्वाद के हिसाब से मैंने डाल दिया है नमक, और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा ही ये गरम मसाला लगता है, और मैंने एकदम थोड़ा ही डाला है, थोड़ा सा ऊपर से आमचूर पाउडर, देन गिव इट अ गुड मिक्स। कोई बड़े बड़े टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं तो उन्हें तोड़ लीजिए, यूजुअली उबले हुए आलू चिपके रह जाते हैं, तो आप उसका जो चिपके हुए आलू है ना उन्हें सेपरेट कर लीजिए। इवेंचुअली थोड़े छोटे से पीसेज रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा फ्लेवर वो अब्सॉर्ब करेंगे, मोटे मोटे पीसेज अंदर से ब्लांड रह जाते हैं। और उनको मैंने ढक्कन लगा के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया है, पके हुए तो वो हैं ही, थोड़ा नीचे से ना क्रिस्पी हो जाएंगे बस इसलिए। और यहाँ पे चावल अच्छी तरह पक चुके हैं, मैंने टेस्ट किया, चीनी मेरे हिसाब से थोड़ी कम थी, मैंने 2-4 चम्मच चीनी डाल दी है, थोड़े कटे हुए बादाम यहाँ ऐड कर दिए हैं,
चीनी डालना है नहीं डालना है वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा चख लीजिएगा और आपको लगता है कि चीनी की ज़रूरत है तो ही चीनी डालें। और ये अच्छी तरह उबाल ले लेगा, चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से एक उबाल ज़रूर ले लीजिए। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर इलायची का पाउडर और ये बिल्कुल रेडी है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो मेरे हिसाब से एकदम ठीक है, स्वीटनेस मैंने एडजस्ट कर ली है, चावल अच्छी तरह पक चुके हैं तो अब इसको बिल्कुल और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी डालने के बाद उबाल भी आ चुका है, मैं सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ये मेरा कैरमल पायसम हो चुका है तैयार। इसको गैस बंद कर दिया मैंने, ढक्कन लगा के भी रखेंगे साइड में, ये तो खाने के बाद में खाया जाएगा ना, फिलहाल खाने की तैयारी कर लेते हैं। ये आलू मैंने 10-15 मिनट थोड़े से रोस्ट करे हैं कि इस पर अच्छा सा ब्राउन सा इफ़ेक्ट आ जाए, थोड़े अच्छे लगते हैं इस तरह से आलू। अगर आपको नहीं पसंद तो आप 5 मिनट में भी इसको तैयार कर सकते हो, इसमें कुछ पकाने जैसा है नहीं। और आपको अगर पसंद है तो आप इसे 20-25 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कीजिए, आपको वो आलू अगर पसंद आते हैं तो डेफ़िनेटली पसंद आने वाला है। तो आलू को मैं थोड़ी देर और रोस्ट करूँगी, मीनवाइल मैं यहाँ पर पराठा की थोड़ी सी तैयारी कर ले रही हूँ। ये जो ड्रमस्टिक लीव्स है ना, इनका आज मुहूर्त निकला है तो आज मैं इनको यूज़ कर डालूँगी। मैंने सोचा था इसको चटनी करूँगी बट देन ज़रूरत नहीं पड़ी, मन नहीं लगा चटनी बनाने जैसा, तो आज के आलू के साथ मैं इसके पराठे करने वाली हूँ। आलू जो है मेरे, इसको मैंने अलट पलट के 8-10 मिनट रोस्ट करा है बस, और ज़्यादा रोस्ट मैं इसको नहीं कर रही हूँ। वही ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात है, आप रोस्ट ना करें, कम करें, ज़्यादा करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें। जब फिनिश हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया डालिए। मैंने ना आमचूर डाला था तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपने आमचूर नहीं डाला तो इस स्टेज पर थोड़ा लेमन जूस डालिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। और इसे मिक्स कीजिए और देखिए कितने सुंदर आलू तैयार हुए हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, यानी कि टूथपिक से एज स्टार्टर चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, बट ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है एंड इट मेक्स अ वंडरफुल डिफरेंट रेसिपी। तो बस सारे ही आइटम्स बन चुके हैं, मैंने रायता भी कर लिया है और जो पायसम है इसको भी डिश आउट कर लिया, थोड़े और बादाम से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है, खाकर देखिएगा और भी मज़ेदार लगता है। और इसके बाद जो आलू हैं इन्हें भी सर्व कर लेंगे, ये भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, आप बनाकर देखिएगा यार। थोड़ा ही वक्त लगता है बट थोड़ा सा चेंज आपको फील होगा। आलू की सूखी भाजी हम सब करते ही हैं बट तिल वाले आलू शायद आप लोग नहीं ट्राई करते होंगे, एक बार ट्राई करना आपको अच्छा लगेगा। आलू इज़ ऑल्सो रेडी, अब बस टाइम है पराठे बनाने का। गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ और आज मेरे पाँचों शर्माज गर्मा गर्म खाना खाने मैंने बिठा दिया है। और मुझे अब मिला है टाइम आप लोगों से बात करने का। अभी किचन विचन पूरा क्लीन करके मैं आई हूँ। एक्चुअली आज पता है क्या हुआ, मैंने पूरा किचन क्लीन नहीं किया है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, शाम में आई वॉज वर्किंग इन द किचन और शर्मा जी को थोड़ा थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने पापा को बोला कि वो उनका बीपी चेक कर दें। पापा के पास बीपी मॉनिटरिंग मशीन है और वो शुगर मॉनिटर कर सकते हैं घर में, तो वो दोनों मशीन्स उनके पास हैं। तो पापा ने उनका चेक किया तो उनका बीपी ठीक नहीं था, वो नीचे वाला और ऊपर वाला जो बीपी होता है दोनों ही बढ़े हुए थे। तो उसके बाद फिर पापा ने मेरा भी चेक किया तो मेरा पल्स बढ़ा हुआ आ रहा था, हालांकि मुझे कुछ फील हो नहीं रहा था, बट पापा ने बुला के, वो जब करते हैं तो सभी का कर देते हैं, तो फिर मेरा पल्स बढ़ा हुआ आ रहा था। तो फिर मैंने खाना वाना रैपअप किया तो पापा ने शर्मा जी को दवाई दे दिया
और मुझे भी दे दिया। तो पापा ने कहा कि जाके आराम से सो जाओ, अभी और कुछ काम वाम नहीं करना है। तो आई वाज लाइक ओके पापा। और इतने में मम्मी ने किचन में जाके सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, उस वक्त तक के जितने भी बर्तन थे, मतलब दैट्स सच अ ग्रेट हेल्प। मैं फिर जब मैं गई हूँ किचन में तो सिर्फ मेरे पास जिस थाली में मैं खाना खा रही थी ना वो एक थाली था, और दो चार मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन किया बाद में, तो वहाँ से जो दो चार बर्तन निकल ही जाते हैं ना तो वो क्लीन किया। तो इन शॉर्ट मम्मा इज़ सच सपोर्टिव पर्सन ना। ये बात तो है, आप लोग भी बोलते हो और ये बात मैं भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेरे इन लॉज बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, लेकिन आई वुड से दे आर सो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सपोर्ट करने की भावना, कोऑपरेट करने की भावना तब आती है जब आप किसी की सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सको। और उनको पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि मैं फिर वही कह रही हूँ, आई वाज़ नॉट फीलिंग एनीथिंग स्पेशल, हर रोज़ शाम तक मेरी हालत ऐसी ही हो जाती है, बट उन लोगों की मतलब उन्होंने रीड किया और उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इट्स नॉट ओके। तो पापा गेव मी टैबलेट एंड आस्क्ड मी टू गो एंड स्लीप, डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। और मम्मी ने भी मैंने जैसा आपको बताया गेव मी सच अ बिग हेल्प। तो एट टाइम्स आई फील सो ब्लेस्ड, ऐसा नहीं है कि एट टाइम्स ओनली, कभी कभी रियलाइजेशन वाला जो एक मोड आ जाता है ना, तो उस वक्त जब हम बैठ कर हर छोटी छोटी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, परसीव करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ ना, दिस इज़ बेसिकली वट आई बिलीव। हाँ मैं करेक्ट हूँ नहीं हूँ वो ज़रूरी नहीं है, बट वट आई बिलीव ना, दिस इज़ लाइक लॉ ऑफ कर्मा, आप जो देते हो घूम कर वही आपके पास आता है। अगर आप सच्चे दिल से बिना किसी यू नो छल कपट के प्यार करते हो, कोऑपरेट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो वही आपके पास घूम के आएगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोगों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, आई थिंक यही है, आप जिस भावना से करते हो मुझे लगता है घूम फिर कर आपका कर्मा आपके पास ज़रूर आता है, वो चाहे रिश्ते हों या चाहे आपका लाइफ हो। तो आई बिलीव आप में से बहुत लोग मेरी सोच के साथ इत्तेफाक रखेंगे, बहुत लोग नहीं भी रखेंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और हमारा अलग सोच हो सकता है, अलग नज़रिया हो सकता है, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं, ट्राई करना आप रेसिपीज़, अच्छी लगेंगी तो मुझे ज़रूर बताना, अच्छी नहीं लगेगी तो भी मुझे ज़रूर बताना, सो दैट आई get to know you guys better, I get to know more taste buds and taste palettes। तो मेरे साथ ज़रूर आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।